नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में SW24 न्यूज के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति और अपने अपने योद्धाओं को तैयार करने की शुरुआत कर दी है। इन्हीं राजनीतिक चर्चाओं को लेकर के आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर गोविंद सिंह जी मुजालदा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव भी होना है। कांग्रेस से मध्य प्रदेश में कहा जाता है, कांग्रेस का ये विचार है कि बीजेपी ने कुछ षड्यंत्रों के चलते हमसे सत्ता छीन ली थी, कांग्रेस इस बार फिर से उस सत्ता को वापस हासिल करने के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है, क्या प्रयास कर रही है? कांग्रेस की साफ सोच है कि सबको साथ में लेकर चलने की, और उस हिसाब से जो अभी घोषणा पत्र बन रहा है या वचन पत्र जो भी कहें वो बन रहा, उसमें सभी समुदाय के लोगों से अलग अलग चर्चाएं हो रही है। सबकी मांगे जो है या सबका जो सोच है उसको साथ में ले रहे हैं और उनके आधार पे हमारा घोषणा पत्र बन रहा है। तो इस आधार पे पब्लिक के बीच में जा रही है और जो नेता चले गए हैं उनके जो सीटें रिक्त हुई थी वहाँ पर भी योग्य उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं और लगभग ढूंढ लिए हैं, और दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। और संभवतः ये है कि जो जहाँ से ये लोग चले गए हैं उन लोगों को तवज्जो न देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और जो लोगों को मौका ऐसा मिलेगा कि जिनने उनके साथ में गद्दारी की धोखाधड़ी की उसको जवाब देंगे अच्छे से। खरगोन जिले की भी सभी छः जो सीटें थीं पिछले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के ही खाते में गई थी, लेकिन बड़वा सीट से जो विधायक हैं बिरला, सचिन बिरला, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया बीच में, लेकिन अभी भी वो अधिकृत रूप से कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। इतना अरसा बीत गया, ना कांग्रेस ने ये मांग करी विधानसभा अध्यक्ष से कि इनकी सदस्यता को लेकर कोई कार्रवाई करें, ना स्पष्ट रूप से अभी तक ये हो पाया है कि वो कांग्रेस में हैं या कांग्रेस से चले गए, कांग्रेस उनको फिर से इस बार विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, ये एक स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक, क्या कारण रहे? बीजेपी जो है जो बोलती है अपने आप को साफ स्वच्छ बताना चाहती है वैसी है नहीं, अंदर से पूरी बदमाशी करती है। रवि जोशी जी ने अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने इसके केस लगाया था, उसको रिजेक्ट कर दिया है। सचिन बिरला जी को पार्टी से निष्कासित करने का जो था और इस हिसाब से उनकी सदस्यता जाती, लेकिन वो अब चूंकि उनका सब कुछ चल रहा है, राज पार्ट उनका ही है, तो वो पिछले दरवाजे से उनको बनाए रखी है। मतलब इतनी भ्रष्ट और ऐसी खतरनाक लोकतंत्र के खिलाफ जो पार्टी है उसने इस तरह से उसको बचा के रखा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस वहाँ पर प्रत्याशी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है और निश्चित ही जीतेंगे इस बार। और जो जनता है उनमें भी आक्रोश है कि ये बीच में जाके जो कर्ज माफ़ी रुकवाई या जो बिजली का या किसानों को जो फ़ायदा दे रहे थे या आम पब्लिक को जो फ़ायदा दे रहे थे वो फ़ायदा छीन लिया गया है, और उसके बाद में उन्होंने बोला था हम करेंगे लेकिन नहीं किया है। तो इस हिसाब से पब्लिक भी खिलाफ है, और जो हमारा प्रत्याशी लगभग तय है वो निश्चित ही टक्कर देंगे, टक्कर नहीं देंगे जीत रहे वहाँ पर सीधी साहब। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सचिन बिरला को पार्टी से निष्कासित नहीं किया, जहाँ तक मुझे पता है पार्टी से निष्कासित नहीं किया, ये बात सही है आपकी, जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि पार्टी से निष्कासित नहीं किया है, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। निष्कासित करे तो ये संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस को अभी भी संभावना है सचिन बिरला के घर वापसी की? मेरे ख्याल से नहीं ऐसा, मेरे को जितनी जानकारी है निष्कासित किया कि नहीं किया इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है। हाँ, अभी नहीं। हाँ, लेकिन वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, हम खरगोन जिले की सभी छः विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का पूरा वर्चस्व रहा इन छः सीटों पर, उसी के लोग रहे, लेकिन सचिन बिरला कारण किन्हीं कारण से भाजपा में चले गए।
एक और प्रत्याशी हैं भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के, केदार डाबर, उन्होंने भी बीच में कुछ मांगों को लेकर भाजपा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने, उनके जो बयान आए थे उसमें यह हुआ था कि वो कांग्रेस से शायद भाजपा में चले जाएंगे। लंबे समय तक एक उहापोह की स्थिति रही, फिलहाल में उनकी क्या क्या स्थिति, क्या वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या वो भाजपा में जाने का प्रयास करेंगे? ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो आज की क्रियाकलाप दिख रहे हैं उसके हिसाब से वो कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ेंगे। ये बात सही है कि बीच में उनने समर्थन दिया था और मंत्री के साथ में जाकर ना दुपट्टा भी मेरे ख्याल से पहना था, और पर फिलहाल तो कांग्रेस के साथ में दिख रहे हैं, और यदि बाय द वे कहीं गलती से कुछ हुआ है तो दूसरे प्रत्याशी तैयार रहेंगे लोग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी क्यों ना समझा जाए कि आज उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मंच पर गए भाजपा के मंत्री के साथ, कल हो सकता है चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाएं? अब ये बताना मुश्किल है, अब इस पार्टी में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस इसको लेके कितनी मजबूती से उम्मीदवारों का चयन कर रही है कि, क्योंकि कांग्रेस ने यही कहा है कि हमारे उम्मीदवार तोड़ लिए गए, हमारे जो जीते हुए विधायक थे उनको भाजपा ने अपने पाले में मिला लिया, तो आखिर क्या, या क्या समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, या कोई ऐसे मौका परस्त लोगों को टिकट मिल जा रहा है कि जो समय आने पर पार्टी के साथ, आपने जैसे कहा कि धोखेबाजी दगाबाजी कर रहे हैं, क्या कारण है इसमें? व्यक्ति जो जा रहे हैं वो भी लालसी प्रवृत्ति के थे, प्लस उनके लूपहोल्स थे। अब अपुष्ट खबर है, मतलब कोई सामने तो नहीं बताएगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग हुई एक तरह से कि जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे कोई लूपहोल हैं, जैसे मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए यदि कोई भ्रष्टाचार किया है तो मेरी टेटवा दबा सकते हो, एक तरह से ईडी और सीबीआई। हाँ, बस वही बात है। तो ये यहाँ पे भी चला है, किसी का कुछ अवैध धंधे हो सकते हैं और किसी ने कोई पहले भ्रष्टाचार किया है उस चीज़ को उजागर करने के लिए, या कोई संपत्ति ऐसी कमाई हो जो इलीगली, तो उसको उसका एक डर दिखा के और उसके आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया। और स्वाभाविक है, जो गए वो लालची भी थे। जो व्यक्ति हमारे लोगों के सामने जाके ना जो अपना समर्थन मांगा है और उनके साथ में तत्काल बदल जाना, 420 हुई, ये कानून क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से तो मेरे जैसा व्यक्ति हो तो कानून बना दे कि यदि आप वादा खिलाफी हुई है तो तत्काल उनको बाहर करें, 6 के आजीवन उनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और दूसरी बात था, क्योंकि गलती नहीं करे, धोखाबाजी नहीं करे, इतने लोगों के साथ में धोखा देना और वो आराम से घूम रहे हैं, क्या है, कोई बात हो थोड़ी। राजनीतिक क्षेत्र में आपके जैसे जो नेता हैं वो स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे उंगलियों पे गिन लिए जाए ऐसे ही नेता हैं, उनमें से एक आप हैं, और आपकी स्पष्टवादिता ही को यहाँ पे लोग पसंद भी करते हैं, पार्टी में भी पसंद करते हैं और आम जनता में भी पसंद करते हैं। आने वाली जो परिस्थिति है कर्नाटक चुनाव को लेके, कांग्रेस हर प्रदेश में लगभग 5 वादे लेकर के जा रही, 5 कस्में खा रही है, आप क्या मानते हैं इससे काम चल जाएगा मध्य प्रदेश में? क्योंकि निमाड़ क्षेत्र और अन्य जो स्थान है आप उसमें बारीकी से नज़र रखे हैं, और आपने उन स्थानों का दौरा भी किया है, आप समझते हैं वहाँ के हालात क्या है। जनता को चाहिए क्या? जनता को महंगाई से छुट्टी चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को उचित मूल्य वगैरह चाहिए, उनके जो कर्जे में फंसे वो उसके दूर होना चाहिए, और लगभग सबके समान व्यवहार करे सरकार, ये चाहिए। और कांग्रेस वही कर रही है। आप गैस सिलेंडर की बात कर लें, आप 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर लें, जो गरीब उसको सबको कर लिया उनने, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर लें, बिजली की बात करें, हर क्षेत्र में, प्लस जो पिछली सरकार 1.5 साल भर रही थी कमलनाथ जी सरकार, उनने करके बताया, मतलब पहले किया उसके बाद में आप पहले क्या इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात वो सामने दिख रहा है। तो लोग विश्वास कर रहे हैं और 100% वापस कांग्रेस सरकार बनेगी, और यहाँ खरगोन में तो पूरी पूरी सीटें आ ही रही है, पूरा एरिया इधर साफ होगा। इवन आदिवासी समुदाय के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरे समाज के लिए भी, मुस्लिम को भी। अब देखो कर्नाटक में पहले तो कोई मंत्री नहीं हुआ करते थे, अब मंत्री बन गए हैं। तो हर तरह से हर समाज को साथ में लेकर चल रही है। गरीबों के लिए 10% आरक्षण जो था सामान्य वर्ग के लिए, वो भी उन्हें कांग्रेस ने हाँ बोला था। मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको अछूता है कांग्रेस से, और इसलिए कांग्रेस जीत रही है। कर्मचारियों की बात कर लो आप, कर्मचारियों को भी आपने ओल्ड पेंशन देने का बोल दिया है, साथ में जो उनकी मांगे हैं, कुछ नियमितीकरण वालों की बात है या अनुकंपा वाली बात है, इसके बारे में भी मांगा है सुझाव, और वो सब अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जीतेंगे? पब्लिक को चाहिए क्या? यही तो चाहिए। मध्य प्रदेश में 1000 रुपये लाडली बहना के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार दे रही है, उसको बढ़ा के नारी सम्मान के नाम से 1500 रुपये कर दिया गया है, क्या इन योजनाओं में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है योजनाओं में फ़र्क, मतलब ये बीजेपी एक तो ये बोलती है
कि रेवड़ी में बांटेंगे, है ना, फिर पिछले दरवाजे से चालू कर देती है एक, और दूसरी बात यह है कि उनने इतना वो लगा दिए हैं बैरियर उसमें कि कई लोग उससे बाहर हो रहे हैं, क्राइटेरिया जो लगा दिए हैं वो क्राइटेरिया से कई लोग बाहर हो रहे हैं। कांग्रेस की सोच अलग है, और कमलनाथ जी जो है एक तो इस मामले में इकोनॉमिक हिसाब से बहुत मास्टरमाइंड है, तो उनने पूरा कैलकुलेशन करके किया है कि मैं किस तरह से ये पैसा लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा। चुनाव आयोग ने बोला है कि आप घोषणा करते हैं तो उसको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज़ को ये ला रहे हैं। और बढ़ाने का कारण ये है कि आज महंगाई के हिसाब से कुछ तो राहत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनकी तोड़ करने के लिए लाए हैं, ये पहले से एजेंडा था कांग्रेस का, तो और वो कांग्रेस के एजेंडा था इसलिए उनको मालूम पड़ गया और इन्हें पहले ही घोषणा कर दी। क्योंकि अब घोषणा उन्होंने कर दी तो हमारा शासन तो है नहीं, अब फार्म भरवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे चल के और घोषणाएं होगी और फार्म भरे जाएंगे। यहाँ पे लोगों के बीच में इस बात के लिए जा रहे हैं कि 1500 रुपये देंगे, अगले आने वाले दिनों में बेरोजगारी भत्ता हो सकता है या और कुछ चीज़ें हैं जो किसानों के कर्ज माफ़ी वाला भी है, ये फिर फार्म भरवाएंगे, जो भी करेंगे उनको इंक्लूड करेंगे। और इस हिसाब से ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि नहीं कहे तो हम भी करें, ये हमारा तो एजेंडा था पहले से ही। वही मैं आपसे किसानों के संबंध में पूछने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार किसान का सम्मान निधि दे रही है, मध्य प्रदेश शासन भी उसमें कुछ रुपया जोड़ करके उन तक पहुंचा रही है, और आपने कहा कि पीछे के दरवाजे से भाजपा रेवड़ी बांटती और दूसरी तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी इस चीज़ को लेकर के विपक्षी दलों पर तंज कसते हैं, तो अगर भाजपा रेवड़ी बांट रही है तो कांग्रेस ने भी तो वही रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। आज की तारीख में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो एक फ्री वाला एक बनाया था चुनाव में मुद्दा, भाजपा और कांग्रेस दोनों उसका अनुसरण कर रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, टैक्स हर व्यक्ति देता है ना, कोई भी चीज़ खरीद में GST मतलब टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब वर्ग ही देता है एक तरह से देखें तो। आप आंकड़े उठा के देख लें, धनाढ्य लोग जो है टैक्स नहीं दे रहे ज़्यादा, है ना, उनका इनकम टैक्स वगैरह जो भी है उसमें इतना टैक्स नहीं मिल रहा है जितना कि गरीबों से मिल रहा है। अब BJP क्या करती है, रेवड़ी रेवड़ी करके बड़े लोगों को तो रेवड़ी बांट देती है, कितने लोगों कर्जे माफ के हज़ारों करोड़ रुपए लेके भाग भी गए हैं और न उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हो रही है, तो और कई राइट ऑफ कर देते हैं, जो भी कर्जा माफ़ कर देते हैं। कांग्रेस वो नहीं करना चाहती, कांग्रेस उसी पैसे को गरीबों में बांटना चाहती है, इसको रेवड़ी नहीं बोल सकते, तुम्हारा टैक्स दिया हुआ तुमको वापस कर रहे हैं और आप भी सुरक्षित रहे, संपन्न रहें, हम भी सुरक्षित संपन्न रहें, ये कांग्रेस की सोच है। और BJP की सोच बड़े लोगों को देने की, साफ साफ दिख रहा है कितने हज़ारों करोड़ माफ़ किए उनने, तो ये दोनों में डिफरेंस है, हमारी रेवड़ी नहीं बोलेंगे इसको, हम जनता का हक जनता की तक पहुँचा रहे हैं। ये तो आपने बताया कि कांग्रेस कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो लेकर मतदाताओं के पास जाएगी, प्रदेश की जनता के पास जाएगी। इस समय आप जो शिवराज सिंह सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, ऐसी कौन सी समस्याएं रह गईं जो ये सरकार पूरी नहीं कर पाई और उनको कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कर्नाटक में भी काफ़ी असरदार रहे, जैसे भ्रष्टाचार या जो 2-3 रोज बेरोजगारी वगैरह लेकर के उन्होंने किया था, उसको काफ़ी आरक्षण भी था उसमें एक मुद्दा, जो मुस्लिमों से आरक्षण हटाए जाने की मांग की गई थी। प्रदेश में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो आम जनता के बीच सफल होंगे? BJP ने जो बोला उसको पूरा नहीं किया, साफ साफ दिखता है। आप बोलेंगे सम्मान निधि की बात करें, कितने किसानों के पास पहुँच रहे हैं अभी, आप बोलेंगे जो गैस की सब्सिडी वापस आपके खाते में जाएंगे, 9.50 रुपये पहुँच रही है, वो गैस का कीमत हो गई 1100 रुपये, तो ये किसकी कंडीशन हो रही है, ये सब मुद्दे उसके साथ में इंक्लूडेड हैं। प्लस जो भेदभाव वाली नीति उनकी है, किनके साथ में बुलडोजर चलाएंगे तो किसके घर पर चलाएंगे, किसके घर पर नहीं चलाएंगे, ये सब उनका है। जो BJP के सपोर्टर हैं उनको अभी पिछले दरवाजे से एंट्री, मतलब इसमें कि जैसे पंचायतों में भर्ती जो समन्वय क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम दिया उनने, उसमें जो भर्तियाँ की एग्ज़ाम पास करे हुए लड़के जो मेरिट में उनको छोड़ के और जो परीक्षा में बैठे ही नहीं अपने अपने लोगों को दे दिया, हमारे दल सिंह भाई सोलंकी जो पुराने भूतपूर्व BJP विधायक हैं उनके लड़के को परीक्षा में बैठा या नहीं बैठा ये भी आज तो डिस्प्यूट है, और वो भी नहीं उनको दे दिया है, जो लड़का टॉप किया है उसको नहीं दिया है। सब पब्लिक देख रही है, पब्लिक के पास सब कुछ जानकारी है कि इनने जो बोला था वो नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस उस बात को लेकर जा रही है कि आपके साथ में जो वादा किया उसके खिलाफ कितना काम किया इनने, उसके कितने पूर्ति की सामने दिख रहा है। और रही बात दूसरे और इसके मुद्दे उनकी, तो कांग्रेस जो नए नए मुद्दे ला रही है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, इस हिसाब से BJP ने जो किया नहीं, मतलब वो नहीं कर रही, वो हमारा एक बेसिक वो है और उसके आधार पर जा रहे हैं चुनाव में, और जीत सामने दिख रही है कि
कोई वो नहीं है। ये तो बात हुई मुद्दों की, किन मुद्दों को लेके कांग्रेस जाएगी और जो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे मतदाताओं के बीच। कांग्रेस के साथ एक और कमजोरी रही निमार क्षेत्र में। कांग्रेस जब जब भी चुनाव लड़ने गई गुटबाजी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। स्वर्गीय सुभाष यादव और तत्कालीन मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के बीच जो खींचतान रही वो सर्वविदित रही, सभी को पता है। पिछले चुनाव में कुछ हद तक ये गुटबाजी देखने को नहीं मिली, जिसका परिणाम रहा कि 6 सीटें कांग्रेस ने जिले की पूरी 6 सीटों पर कब्जा किया। लेकिन इस बार फिर देखा जा रहा है कि कुछ गुटबाजी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या कांग्रेस चुनाव के पहले तक इनसे पार पा जाएगी या इस बार फिर से वो गुटबाजी देखने को मिलेगी? मेरे ख्याल से अपने एरिया में तो गुटबाजी का ज़्यादा असर नहीं है, यानी कहीं हो जैसे सिंधिया जी उधर गए और उस एरिया में जहाँ थे उनकी बात करें तो बात मान लिया अपन ने, थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है वहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसी गुटबाजी कहाँ है, फिलहाल तो ऐसी कोई है नहीं। और पब्लिक के साथ साथ कांग्रेस नेता भी समझ चुके हैं कि यदि हमने बदमाशी की तो फिर वापस सरकार हाथ से जाएगी, और सरकार गई तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, कम से कम कुछ तो है, तो गुटबाजी नहीं होगी। और सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं उनमें भी नहीं दिख रहा। अभी सुभाष भाई के प्रोग्राम में सभी नेता इकट्ठे हुए थे, हर एक व्यक्ति गया था। अभी यहाँ पे सुबीसी में प्रोग्राम होते हैं, पहले नहीं आते थे, आजकल सब जाने लग गए हैं, तो गुटबाजी ख़त्म हो रही बल्कि, और ये मानेंगे हम, और अलग कोई गुटबाजी नहीं है, और बढ़िया साथ में रह के लड़ेंगे चुनाव। डॉक्टर साहब, आप राजनेता होने के साथ एक विचारक भी रहे हैं, कांग्रेस लंबे अरसे तक प्रदेश नहीं देश में भी अपना शासन करती रही। स्वर्गीय सुभाष यादव एक दिग्गज नेता के रूप में निमाड़ में पहचाने गए, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तक रहे। बावजूद इसके कांग्रेस के पास एक घर नहीं है जहां वो अपने परिवार के साथ बैठ के चर्चा कर पाए। मेरा कहना है कि जिला कांग्रेस कार्यालय, बीच बीच में ये मांगे उठती रही, कुछ लोगों ने नेताओं ने कहा भी हम ये करवा देंगे हम वो करवा देंगे, लेकिन आज भी बार बार ये पते बदलते रहते हैं। पहले किसान भवन में जा कर के सुभाष जी के रहते हुए कार्यक्रम होते थे, अब सुबीसी में जाते हैं, तो क्या कोई इसका स्थायी हल खोज रहे? ये गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, एक होना चाहिए एक जगह स्थायी, पर कांग्रेस ये सोच नहीं पा रही थी कि कहीं ऐसा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसी गुटबाजी के चलते हुए जिस समय स्वर्गीय सुभाष यादव जी यहाँ के वो उस समय पद पे थे, जब वो मीटिंग रखते थे तो विरोधी उनके जो आवास थे या उन लोगों की संपत्तियाँ थी जहाँ पे वो मीटिंग होती थी उन पे जाना पसंद नहीं करते थे, तो गुटबाजी चला करती थी। आज फिर किसी एक नेता के घर या उनकी संपत्ति पर ये कार्यालय बना दिए गए हैं, फिर विरोधी वहाँ जाना पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़ा असर पड़ता है इसका। कोई एक ऐसा सर्वमान्य एक ऐसा कोई कार्यालय हो कांग्रेस का जहाँ पे कि सब जा सके परिवार के लोग, तो ये आखिर कांग्रेस कब करेगी? और ये आप क्या मानते, सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, एक कार्यालय होना चाहिए, इतनी पब्लिक है और इतने कार्यकर्ता हैं, इतने पदाधिकारी हैं, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, जगह है भी, उसको डेवलप नहीं कर पाए, और वो भी अतिक्रमण वगैरह में कहीं भेंट चढ़ गई है अभी फिलहाल, तो होना चाहिए। और सरकार मतलब सरकार बनी थी कांग्रेस की तब, इस तरह तो बढ़ा दिया था कमलनाथ जी ने, कदम बढ़ाए थे कि हर ज़िले में, बल्कि ब्लॉक लेवल तक की सोच थी कि एक कार्यालय होना चाहिए। जो गलतियां हो गई तो हो गई है, अब संभावना है कि बन जाएंगे, और यदि हम लोग आ गए तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो करेंगे, और सोच तो ये है। अब चूँकि कहीं जगह नहीं है इसलिए किसी एक जगह तो बैठना ही पड़ेगा, अब प्राइवेट है तो प्राइवेट बैठे में क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आ रहे हैं, आप सब आ रहे हैं, अभी कसरत वाले भी आते हैं तो महेश्वर से भी आते हैं, या भेकन गाँव वाले भी आते हैं, सब आते हैं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है अभी फिलहाल। यही साफ गोई है डॉक्टर गोविंद सिंह बुजालदा की, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हाँ, जिला कांग्रेस कार्यालय नहीं होना एक विसंगति है जिसको आने वाले सरकार में आने वाले समय में दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। हम ब्रेक के बाद उनसे उनके राजनीतिक जीवन और उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएँ अपेक्षाएँ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कहीं तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हम पुनः स्वागत करते हैं। नेताजी हाजिरो कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह मुजालदा जी से। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में प्रवेश
करने से पहले भी आप सेवा कर रहे थे, राजनीति में भी आप सेवा को ही एक मुद्दा बना के आए हैं, तो लगभग सभी ये करके ये इसी मुद्दे पे आते हैं। और राजनीति में आप जो कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वो सेवा से जुड़ा होता है। शासकीय नौकरी में एक चिकित्सक के रूप में सेवा करने का अनुभव और राजनीतिक क्षेत्र में एक नेता के रूप में सेवा करने का अनुभव, क्या अंतर दिखाई दिया आपको? आप इस दोनों जगहों में से किसमें ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करते हैं? वैसे तो राजनीति बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और सब लोगों को संतुष्ट रहना बहुत मुश्किल होता है, और जो सरकारी नौकरी थी वो ज़्यादा बेहतर लगती थी मेरे को, इसके हिसाब से सोचें तो समाज सेवा के हिसाब से। मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, मेरा रिकॉर्ड आज भी उठा के देखें, मैंने लगभग 3 गुना ज़्यादा काम किया सरकार के टारगेट से। और वो टारगेट देख के भोपाल से डायरेक्टर आए थे एक बार, और उनने मेरे को बोला कि आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, कि मैंने उनको बताया मेरा काम कैसे करता हूँ, उनने स्वीकार किया और मैंने 3 नियम बदलवा दिए थे सरकार के नियम बदले थे स्वास्थ्य विभाग के, है ना, ये कंडीशन थी। तो यदि ठान लो तो वहाँ पे भी होता है, मैं जीत नहीं करता था, मैं सिर्फ काम से मतलब रखता था, बाकी दूसरा कुछ करता नहीं था। उन दिनों मैंने पब्लिक की सेवा व्यक्तिगत सोची, मैं बड़े स्केल पे करूँ ऐसा नहीं था, कि जैसे अनिल भाई आए हमारे पास तो उनकी सेवा कर दी कि अगर किसी गरीब को लेके आ गए तो उसको पकड़ में काम करके रवाना कर दिया, प्रायोरिटी बेस पे कर दिया, जो भी है ये काम था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब इस तरह सोचा था, मैं यदि उसको बढ़ाने की कोशिश करता और मैं सरकार में बात पहुंचाता तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बेहतर कर सकता था। पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। पहले मेरे को 93 में भी बोला था चुनाव लड़ लो, बीच में विजय सिंह पहला चुनाव लड़े थे 14 का, उस टाइम में मेरे को बोला था 13 में मेरे को बोला था आप चुनाव लड़ लो, और रात के 4 बजे मेरे को फोन आया था दिल्ली से, पर मैंने मना कर दिया था, अभी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन जो सामाजिक लोग थे जिनके साथ में काम कर रहा था, उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं यार जाना चाहिए, तो या फिर हमारे समाज से कोई भी आए ये बताए तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने कई लोगों का हिमाया था सामाजिक काम करते हुए, कि आपको साथ दिया तो वो बदल गया, फिर दूसरे को साथ दिया तो वो बदल गया। तो मैंने सोचा यार इनको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो फिर ये कहीं बदल जाएंगे और कुछ कर लेंगे, और मेरी खुद की तो गारंटी ले सकता हूँ मैं कि मैं ज़िंदगी में नहीं बदलूंगा, इसलिए मैंने कहा चलो दूसरों को आगे बढ़ाने के बजाय मैं ही आगे आ जाता हूँ। नहीं तो मैंने कभी जिंदगी में कोई पोस्ट नहीं ली थी सामाजिक कामों में, कभी कोई पोस्ट नहीं ली, और नहीं लेने का कारण यही था कि जो आगे पोस्ट चाहिए उसको दे दो तो काम ज़्यादा होगा, मैं तो करूँगा ही करूँगा। इस बार मैंने खुद ही सोचा और इसलिए पॉलिटिक्स में आया कि मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा। निश्चित ही मेरे कई एजेंडे हैं, अब एकदम सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन यदि मैं एक बार आ गया तो लोगों को देखेगा कि लगेगा कि यार हाँ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जब मैं सरकारी काम 3 गुना ज़्यादा कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप किसी से पूछ लो, खुली किताब है, मैंने मेरे डिपार्टमेंट में 1 पैसा रिश्वत नहीं ले रही थी, मतलब बंद करने में 2-3 साल लगे, लेकिन बाद में कभी कोई पैसा नहीं चढ़ा हमारा रिश्वत, ये कोई भी बोल सकता है। तो मैं मेरे व्यक्तिगत लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक के लिए करना था, जो भी इसमें है सिस्टम में रह के कर सकते हैं वो मैं करता है। और आज भी मेरी उम्मीद यही है, यदि मैं जिस दिन आ गया उस दिन सिनेरियो कुछ चेंज होगा, कि यार ऐसे नेता भी होते हैं वो बाद में अगली बार चुनाव लड़े या नहीं लड़े वो अलग बात हो जाती है, लेकिन एक बार इच्छा है और इसलिए मैं राजनीति में कहा चलो मैं ही देखता हूँ कि अपन कुछ कर सकते हैं, कि अंदर घुस के ये जो कोयले की कोठरी को बोलते हैं उसको उसमें अपन कैसे कर सकते हैं, और संभावना है कि मैं करूँगा कुछ यदि आगे मौका मिला तो। सही है, एक विचार लेकर हर कोई राजनीति में आता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि कोयले की कोठरी है तो दाग लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी बिरले ही होते हैं जो अपने आप को उन दागों से सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं आऊंगा तो एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आऊंगा, तो हम उसके लिए आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। पहला आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर सांसद का, और उस चुनाव में आप हार गए। पहला ही चुनाव हारने के बाद क्या लगा कि आप लौट चले या लक्ष्य को पाकर ही दम लूंगा? मैं कर्म योगी बोल रहा जो बोल रहा, मैं काम को पसंद करता हूँ, है ना, मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कर्म करो सत्कर्म, कर्म तो कई भी करते हैं, सत्कर्म करो और फल वाले सब छोड़ दो, चिंता मत करो उसकी, मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपके कर्म के हिसाब से। शायद हो सकता है कि मेरी कोई कमी रह गई हो और मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन इसका मतलब मैं क्विट कर जाऊंगा छोड़ दूंगा ऐसा तो है ही नहीं, मैं 100% लगा रहूंगा। पार्टी बोलती तो भी, यदि पार्टी मेरे को नहीं बोलती दूसरे को बोलती तो उसके साथ में हो जाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। और जो मेरा उद्देश्य है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जैसा
एक दृढ़ संकल्पित आदमी, जिस व्यक्ति के खिलाफ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, विरोधी पार्टी तो छोड़ी दो, मतलब वो तो करेगी करेगी, लेकिन खुद की पार्टी के लोगों ने उनके सामने जो अत्याचार किया, अत्याचारी बनूंगा मैं, तो एक नया व्यक्ति आया था, शुद्ध सात्विक मन से आया था आदमी, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया और उस व्यक्ति ने बता दिया कि मैं क्या हूँ, है ना, उस व्यक्ति की मदद के लिए, उस व्यक्ति के लिए मेरे जो करना पड़े कर्मों में, और पार्टी ने मेरे को बोलती है तो निश्चित ही मैं जी जान लगा दूंगा, और जो गलतियां हुई होगी पिछली बार कमी रह गई उनको कमियां दूर करूंगा, और यदि किसी पार्टी और पार्टी को चाहिए मेरी और कहीं मदद तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि आपने बताया कि पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता, और आप राहुल गांधी के संकल्प को का मतलब आप बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने जिस प्रकार से अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी राजनीति में चलायमान रखा, वो आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ उनके साथ होने के बाद, और आप भी उसी प्रकार से उसी पथ पे चलना चाहते हैं, लेकिन अभी इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर भी आपका नाम सुना जा रहा है कि भगवानपुरा जो आदिवासी बेल्ट है वहां से आपको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और इस बार फिर सुनने में आ रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो क्या इस स्थिति में आपको पार्टी अगर टिकट देती है क्या निर्णय होगा आपका? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे ये भी तय है, क्योंकि मेरे पास टीम भी है, सब कुछ है, और मेरे पब्लिक में जान पहचान भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पब्लिक भी चाहती है, मैं भी कंटिन्यू क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, हर सुख दुख में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्टी के जो प्रोग्राम है उसमें जाता हूँ, मैंने पिछली बार अभी सदस्यता अभियान चला था तो 5-6 हज़ार सदस्य बनाए मेरी टीम ने, है ना, 6 हज़ार सदस्य बनाए, और अभी भी हर काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ, तो मैं जाऊँगा और निश्चित ही लड़ूंगा चुनाव भी, पार्टी यदि बोलती है तो पार्टी जिसको बोले मैं उसके साथ में रहूंगा, ऐसी कोई बनी है, लेकिन यदि मैं होता हूँ तो निश्चित ही जीत पार्टी की झोली में जाएगी, तय है, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। भगवानपुरा क्षेत्र की हम बात करते हैं, भगवानपुरा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक वहां पर रहे सोलंकी, वो भी टिकट के पिछली बार दावेदार थे, और वही कांग्रेस के जो नेता रहे चिड़ा भाई डावर, दिग्गज नेता रहे वहां के जो विधायक, 12 बार विधायक रहे, वो उन्हीं के लड़के केदार डावर जो वर्तमान में विधायक है, इनकी उपस्थिति में मान लीजिए आपको जो आप बता रहे हैं कि टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे, तो आप अपनी विजय को कैसे सुनिश्चित करेंगे? मात्र हम एक टीम के दम पे ही सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं आपने बताया कि वही आज मुद्दों के रूप में काम कर रही है, तो कैसे संभव होगा ये? आपका कहना सही है कि टीम के अलावा भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, मैं हर घर जाता हूँ, मेरी रिश्तेदारी भरी पड़ी सब कुछ, इवन ये बोलते हैं लोग पर भैया मतलब केदार भाई है ना, वो भी मेरे रिश्तेदारी हैं और पूरा सब साथ में है, और मेरे को नहीं लगता है कि वो खिलाफ जाएंगे, है ना, हमने अभी तक उनके साथ रहे हैं हमेशा, आप दादा के टाइम से, चिड़ा दादा के टाइम से लगाकर आज तक हमेशा उनके साथ में रहे हैं, कांग्रेस के साथ में रहे हैं, और सोहाई के वो भी अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिलता टिकट मेरे को मिलता है, तो निश्चित साथ में रहेंगे वो, इसमें कोई दो मत नहीं, और पब्लिक सब पूरी साथ में है ही, जितने कांग्रेसी नेता है कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे से मतलब हमारी नहीं जमती है, भैया क्या कोई प्रोग्राम होता मैं जाता ही जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई समस्या आएगी, क्योंकि मेरे को मिलता तो भी भैया साथ देंगे, और यदि उनको मिलता तो मैं साथ देने वाला हूँ, तो चुनाव जीतने की कोई बात ही नहीं आती। जैसा आपने कहा कि जनता से जो आपका जुड़ाव है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन ये तभी संभव है जब चिड़ा डाबर, स्वर्गीय चिड़ा डाबर जी के सुपुत्र है केदार डाबर, वो वर्तमान में निर्दलीय न लड़ते हुए कांग्रेस के टिकट पर लड़े हैं, जब पार्टी आपको बोलती है तो आपको फिर लड़ना ही है, और नहीं ऐसा नहीं है कि भैया को मैं सम्मान मनाऊंगा और मान जाएंगे, और किसी कोई बात नहीं, हमारे सब रिश्तेदारी आपस में सब हो जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं, मेरे को इस तरफ से नहीं चिंता, पार्टी यदि तो भैया को देते तो भैया का केदार भाई का हो जाएगा, यदि केदार भाई को नहीं देते हैं तो पार्टी काम तो करना ही पड़ेगा ना हमको, कैसे भी। मध्य प्रदेश में भाजपा जो है इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साथ में लेकर चुनाव में उतर रही, उपचुनाव के बाद ये पहला चुनाव होगा जब वो पूरे प्रदेश के चुनाव पे चुनाव में भाजपा का प्रचार करेंगे, उनकी जो लोकप्रियता है उसका भी एक प्रतिशत है, और वो कितना असर करेगा मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में, ये आपकी सोच है, मेरी सोच उल्टी इसकी, मेरी सोच ये है कि इतना भ्रष्ट आदमी जो लोगों को धोखा देके जा सकता है वो यदि उनकी तरफ है तो हमारी आधी लड़ाई तो इसे कम हो जाती है कि बीजेपी कैसे लोगों की पार्टी हो,
मतलब आप और नहीं, नहीं, आपको यहाँ पे बीच में रोकूंगा, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो भ्रष्ट कह रहे हैं या आप मौका परस्ती कह मान लीजिए कह रहे हैं, अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे जिस विधानसभा चुनाव के पहले, उनको कुछ समय पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया, कमलनाथ की एंट्री हुई, दिग्विजय सिंह जी की एंट्री हुई और नेपथ्य में चले गए अरुण यादव। तो क्या आप मानते हैं ये सही है युवाओं की जो कांग्रेस में पिछले चुनाव में जो एक तरह से मैं कहूंगा बेकदरी हुई, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया क्या वो गलत था? नहीं, जो पार्टी के ऊपर क्या चलता है इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन सब पूरा तहकीकात करने के बाद में ही ये निर्णय लिया होगा कमलनाथ जी को लेकर आए। इसी तरह से ज्योतिराज सिंधिया को भी जो रखा है, क्योंकि पूरा चुनाव कमलनाथ जी ने उसमें नाम पे लड़ा था, निश्चित तौर पर मैंने बहुत अच्छा काम किया था, पार्टी को बहुत आगे बढ़ा दिए दे गए थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया के पास साथ में सब कुछ था ही, उनको तो जो कर रहे थे सब पूरा कर ही रहे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और दूसरी बात यह है कि अरुण भाई भी आज भी साथ में दिख रहे हैं, कोई अलग दिख नहीं रहे, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, और ज्योतिराज सिंधिया का जो रौरा है प्रभाव है वो असर नहीं करेगा, फायदा करेगा उल्टा, कि दल बदलू है, मौका परस्त है, और अभी उन्हें एक दिन माफी मांग ली है ना, माफी मांगी, आप सोच सकते हो माफी क्यों मांगी, गलती करी तभी तो माफी मांगी, वो गलती को स्वीकार भी कर रहा है, तो ये तो हमारे फेवर में है ना, अब लोग जाने लग गए हैं, अब एक बार गलती की दूसरी बार फिर माफी मांगना फिर करना, मैं उन लोगों को अब ये माफी किस से मांग रहा है, माफी लोगों से मांग रहा है और मदद किनकी करने को बोल रहा है, उनकी करने को बोल रहा है, तो फिर उल्टा कर सकता है, सत्य रहेगा, एक बार बदला दूसरी बार बदल सकता है, इसलिए हमारे फेवर में है, इसको वहीं रहना चाहिए, और इनके नेतृत्व चुनाव लड़े तो ज्यादा फायदा है। वर्तमान में भी देवी आपदाओं का दौर चला, किसानों की फसलें काफी हद तक प्रभावित हुई, उनके परीक्षण को लेकर और मुआवजों को लेकर काफी देरी हो रही है, किसान परेशान है, प्याज की कीमत जो है जमीन धरातल से भी नीचे की ओर जा रही है, इस स्थिति में भाजपा सरकार को किसान कितना पसंद करेंगे और कांग्रेस उन्हें अपनी ओर मोड़ने में कितने सफल हो पाएगी, और क्या उनके लिए वो कुछ नया लेकर के आ रही है कि किसान कांग्रेस को सपोर्ट करें? अभी जो घोषणा पत्र बनने की मैंने बात की थी जी, वो घोषणा पत्र ही आ रहा है, वो बता देगा किसानों को अपने फेवर में लाने के लिए। हमारी तो टारगेट ये चल रहा है कि ये क्लस्टर होता है, इनका जो आपदा कोई आती है तो पूरा ब्लॉक या जिले लेवल पे आकलन होता है उसका, ये गलत है, होना चाहिए पर्टिकुलर खेत की या रकबे की या पटवारी हल्के की बात होना चाहिए कि सर के नुकसान हुआ और सबको दिखता है, इसमें कोई इकट्ठा हुआ तभी दिखेगा ऐसा नहीं है, मान लो कोई खेत बर्बाद हो गया है तो यूनिट उसको मानना चाहिए ना, बड़ी यूनिट क्यों लेते हो आप, जिला की यूनिट क्यों मान रहे हैं, वर्तमान में इक्का दुक्का खेतों को गिनती में नहीं लिया नहीं लिया था, तो उसको चेंज करने का सब सर अब हमारे एजेंट में आ रहा है, तो किसान विश्वास करेगा करेगा, ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्या यदि एक गाँव में नुकसान हुआ तो एक गाँव को मुआवजा मिले, और इनका क्या है ऐसा नहीं कर रहा है, बीमे वाले कभी देते नहीं, ये बीमे वालों को कसने के लिए भी नए नियम आ रहे हैं लाएंगे, तो ये सब चीजें किसानों के फेवर में जाएगी। बाकी जो घोषणाएं कर दी अभी तक जितनी हो चुकी घोषणाएं, कर्ज माफी और बिजली और ये सब पूरा, तो वो तो है ही, इसलिए किसान तो आगे आएगा, और बीजेपी ने जो बोला कभी नहीं किया, अब समर्थन मूल्य की बात करें कितना बढ़ाना है क्या करना है, मंडी की बात करें अभी मंडी में क्या हालत चल रही है, और जो कुछ पैसा देने का जो बात चल रही थी वो भी टाइम से पहुंचा थोड़ी किसान पास नहीं पहुंचा, तो किसान जानते हैं और खाद बीज की कालाबाजारी वगैरह हर चीज के बारे में, आप बीज लेके आ रहे हो 1,000 रुपए किलो और उसकी फसल कितनी बिक रही है, तो आज से 9 साल पहले जो सोयाबीन और कपास कीमत थी वही कीमत आज मिल रही है बल्कि कम मिल रही है, और खाद बीज की कीमत कितनी बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है, तो किसानों की तो हालत खराब है, ये किसान देख रहा है और वो समझेगा, बिल्कुल समझेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह इतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन इस बार वो उन विधानसभाओं का मूल्यांकन करने जा रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों के हार हुई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा अंदरूनी रूप से इस चीज को स्वीकार करता है कि दिग्विजय सिंह जो सांप्रदायिकता को लेकर बयान देते हैं उन बयानों का कांग्रेस को नुकसान होता है, उनकी सक्रियता कांग्रेस के लिए घातक तो नहीं? नहीं, वो उनके बयान जो पहले थे होंगे आज इसी कोई कंडीशन नहीं है, और मेरे ख्याल से राहुल जी का जो है उनको भी फॉलो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी,
सबको साथ में लेके चलने की, और अभी जो यात्रा थी राहुल जी की उसमें भी वो हमेशा साथ में रहे। उनने ही शायद इनको बोला है कि आप किस तरह से काम करेंगे, और उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और दिव्य सिंह सक्रिय हुए हैं, निश्चित ही पब्लिक में जान आई है, जो लोग सुस्त पड़े थे उनको भी आगे लेके आ रहे हैं। अभी खंडवा में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी काफ़ी वो लोगों को डाटा डपटा और उनको लाइन पर लाने की कोशिश की और आ भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिव्य सिंह की पार्टी के लिए बहुत अहम रोल अदा करता जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में काफी चीजें हैं जो कांग्रेस के विपक्ष में कही जा रही है, लेकिन आपका कहना है कि नहीं, ये सब सकारात्मकता में बदलेगी और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बनेगी। आपने बताया कि जो स्थानीय मुद्दों के साथ ही आप केंद्रीय जो मुद्दे हैं केंद्र के, उनको भी चुनाव में आप पूरी तरह से आम जनता तक लेके जाएंगे, और आपका स्वयं का भी कहना है कि आप सांसद के चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पार्टी आपको कहती है भगवानपुरा सीट से विधानसभा के लिए, तो आप उसके लिए भी तैयार है। बावजूद इसके आप अपनी टीम के साथ पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, और आज आप स्टूडियो में पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको इसी प्रकार से अपने कार्यक्रमों में बुलाते रहेंगे। तो आज आपने देखा कांग्रेस मध्य प्रदेश में विरोधी विधायकों और अन्य प्रभाव के बावजूद जीतने का मादा बता रही है, साथ ही वो पांच वादों को लेकर के आ रही है जिसने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में काफी प्रभाव डाला। लेकिन देखना है कि मध्य प्रदेश में ये सारी रणनीति किस हद तक कांग्रेस को जीत दिलाने में सक्षम होती है। फिलहाल इतना ही, अब मुझे आज्ञा दीजिए, नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए AW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेता